सो फ्रेंड्स, कैसे हैं यार आप सब लोग। बहुत लंबे इंतजार के बाद मैं आया हूँ आप सभी लोगों के सामने, और यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा एक नया फैक्ट जो नया तारीख 28 सितंबर को हुआ है। थोड़ा सा पुराना हो गया तो इसको डिस्क्राइब से बताऊंगा क्या हुआ था उस दिन। तो यार, अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हालांकि जानता हूँ वीडियो में थोड़ा सा डिले होता है, तो कोई बात नहीं यार, कोशिश करूंगा आगे से आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँ। तो यार कोहली, ऐसी ऐसी न्यूज़ नहीं मिलती यार मुझे जिससे कि मैं आपको अपडेट रखा करूँ। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए मैं किस बारे में टॉपिक, किसके बारे में वीडियो बनाऊँ, तो मैं तुरंत उसके बारे में पढ़ाई करूँगा, उसके बारे में देखूंगा क्या है भाई, फिर आगे बनाने की कोशिश करूंगा। तो यार आज की इस वीडियो में आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो मैं किसके बारे में वीडियो बताने वाला हूँ। तो यार थंबनेल से याद आया, थंबनेल कैसा लग रहा है आपको वही बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी और भी थंबनेल कैसे रहे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यार मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कैसे 27 सितंबर को यहाँ पे फेसबुक का डेटा हैक हुआ था। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा यार, कहीं छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी, जो आपकी प्राइवेसी है, वो नंबर वन प्रायोरिटी है आपके लिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आप अपना डेटा मुझे दे दीजिएगा। तो चलिए इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ यार एक हैकर के बारे में। मैं यहाँ पे हैकर को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा जिससे कि आपको समझने के लिए बहुत आसानी होगी। अब सोचते हैं यार, हैकर्स ऐसी कौन सी लैंग्वेज पढ़ता है कि मैं मतलब वो हैक कर लेता है किसी दूसरे के अकाउंट को। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ हैकर्स की, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन में ऊपर इधर या इधर आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। तो सोचिए अगर कैसा हो अगर आपकी फोटोज़ बगल वाले के पास हो, अगर आपने उसको शेयर भी ना करी हो तो यार सोचिए कैसी कैसी फ़ोटोज़ होंगी आपकी। तो चलिए उसके बारे में छोड़ दीजिए, उस सब को हम पीछे साइड में रखते हैं। तो हैकर्स क्या होते हैं? देखिए, हैकर्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हैकर्स तीन टाइप के होते हैं, वाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर। जो ये हैकर था जिसने ये हैक किया था वो था वाइट हैट हैकर, क्योंकि वाइट हैट हैकर वो होते हैं कभी अपनी भलाई के लिए, अपने खुद के लिए, स्वार्थ के लिए कभी किसी का डेटा हैक नहीं करते हैं, ठीक है। ये होते हैं वाइट हैट हैकर। अब सोचेंगे यार हैकर्स को लैंग्वेज कौन कौन सी आती है। देखिए, हैकर्स लिनक्स बेस प्लेटफॉर्म में काम करता है, उसको लिनक्स लैंग्वेज आती है। अब ऐसा नहीं है कि हैकर्स को लिनक्स ही आती है, वो लिनक्स में मास्टर होता है, पर यहाँ पे उसको थोड़ी 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 बहुत लैंग्वेजेस आती हैं। हालांकि एक डेवलपर होता है, डेवलपर को कुछ लैंग्वेजेस आती है, मान लीजिए सी आती है, सी प्लस प्लस आती है, ये सब आती हैं। प्रोग्रामर भी होते हैं, अब इनको मैं डिस्क्राइब करने में आ जाऊंगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो हैकर्स आप जान लीजिए, हैकर्स को बहुत सारी में से थोड़ी 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 लैंग्वेज आती है, इतना वो समझ सकता है कि यहाँ पर ये इसकी लैंग्वेज है, ये इसकी लैंग्वेज है। तो यार एंड्रॉयड को हैक करना बहुत ही आसान है, क्योंकि एंड्रॉयड, देखिए एंड्रॉयड जो है ना, एक लिनक्स बेस ओपन सिस्टम है जहाँ पे उसको हैक हम आसानी से कर सकते हैं, पर उसमें वायरस हम नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो यार फेसबुक में हुआ कुछ ऐसा था 27 सितंबर को, फेसबुक में लाइव यहाँ पे उस हैकर ने मार्क जुकरबर्ग को चैलेंज किया था कि मैं आपका डेटा हैक करके दिखाऊंगा। तो यार वो उसने कर भी दिखाया, किसकी मदद से। तो यार हुआ यूं था, अगर आप अपना फेसबुक सेक्शन खोलते हैं तो वहाँ पे यार आपको एक ऑप्शन दिखता है व्यू एस का, जिससे कि होता यूँ है आप खुद ही यूज़र बन के, किसी दूसरा यूज़र बनते, अपना फ्रेंड बन के, आप अपनी ही वेबसाइट या अपनी ही पेज को, जो आपका फेसबुक का प्रोफाइल का पेज है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि मेरा पेज दूसरे बंदे को, सामने वाले को कैसा दिखे। मान लीजिए ये मेरा पेज है, ठीक है, ये मेरा पेज है। अब इस पेज को मैंने देखना है कि दूसरा वाला बंदा उसको कैसे देख सकता है। तो यार यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा था, अगर वो बंदा उसमें देखता था, उसमें बग थी, उस हैकर्स ने उस बग को निकाला, तो वहाँ पे था कि रिमेंबर लॉग इन टू मी, ऐसा लिखा आता है, इसमें टिक का ऑप्शन आता है, मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा। तो यार उस पर था कि अगर आप उसमें टिक करते तो आपका पासवर्ड, जिसने अगर उसमें टिक करा है, वो पासवर्ड वहीं पर ही सेव हो जाता है। आपको बार बार अपने ब्राउज़र में पासवर्ड डालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यार उसने ये किया था, उसने मार्क जुकरबर्ग का डेटा, जो उनका पासवर्ड है, उसको हैक किया, उनको बताया कि हाँ भाई ऐसे, देखिए यहाँ पे आपका फेसबुक में बग है,
यहाँ पे ऐसे मैंने इस डेटा को, इस आपके पासवर्ड को या आपके फेसबुक अकाउंट को हैक किया 27 सितंबर को, ठीक है, 27 से 28 सितंबर की बात है, जहाँ पे फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग ने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई ये एक बग है, यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और हाँ उनने एक्सेप्ट किया कि इस हैकर ने मेरा जो फेसबुक अकाउंट है उसको हैक किया था। तो यार यहाँ पे अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, वहाँ पे आता है कि आपको पासवर्ड सेव रखना है या नहीं करना है, अलाउ और नेवर का ऑप्शन आता है, अगर आप सेव करते हैं तो सेव हो जाता है, नहीं करते तो नहीं होता है। तो यार मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि आपका डेटा, अगर आप खुद सोचिए, अगर आपका डेटा किसी दूसरे वाला बंदा देख रहा है, तो यार यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आजकल पैसों की कीमत नहीं है, एक डेटा की कीमत है। अगर आपके पास डेटा, अगर आपका डेटा किसी दूसरे के पास है ना, तो वो आपको तरह तरह के ऐड दिखाएगा, उससे पैसा कमाएगा। बहुत सारे जरिए हैं यार पैसा कमाने के, डेटा के माध्यम से, डेटा के थ्रू से। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा इतना कि वो डेटा कैसे हैक हुआ था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, 50 मिलियन लोगों का डेटा उनकी की थी उसके पास, की नहीं थी, आप कह सकते हैं 50 मिलियन डेटा, 50 मिलियन जो यूज़र थे उन्होंने यहाँ पे रिमेंबर टू लॉग इन किया था। पर यहाँ पे फेसबुक ने क्या किया, सारे जो अकाउंट थे उसको एक बार के लिए परमानेंटली, परमानेंटली नहीं, टेम्प्रेरी यहाँ पे उसको लॉग आउट कर दिया, ठीक है, टेम्प्रेरी उसको लॉग आउट कर दिया, जिससे कि क्या हुआ, जो बंदा था, जो दूसरा सामने वाला बंदा था, उसका अकाउंट भी लॉग आउट हो गया। तो उसको पासवर्ड तो अब पता नहीं है, ठीक है, अब उसको पासवर्ड पता नहीं है, तो वो जाएगा कैसे, उसने रिमेंबर टू लॉगिन किया था तो वहाँ पे पासवर्ड दिखाता नहीं था। रिमेंबर टू लॉगिन से क्या करते हैं आप, पासवर्ड आगे पे शो होता है तो आप डायरेक्ट लॉगिन करते हैं तो वो अंदर चले जाता है, पर वो डॉट 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 स्पॉट स्पॉट आते हैं ना, तो उसको वो निकालने में थोड़ी दिक्कत होती। तो यार वहाँ पे से वो ऐसे काम करा था उस हैकर ने, की टू लॉग यहाँ पे ऑप्शन आता है। अगर आप किसी दूसरा बंदा समझ के अपनी प्रोफाइल चेक करते हैं, व्यू एस का ऑप्शन यूज़ करके आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा मैं, तो वहाँ पे आप, वो हैकर ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया था उस फेसबुक डेटा, जो मार्क जुकरबर्ग का फेसबुक अकाउंट था, उसको हैक करने के लिए। तो यार अपना डेटा आपकी सिक्योरिटी है, आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यार बस वीडियो यहीं समाप्त होता है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जितना हो सके उनको शेयर कर दीजिए, पता तो लगे कि उनको हाँ भाई ऐसा भी हुआ था, 28 सितंबर को मार्क जुकरबर्ग का डेटा, जो उनकी फेसबुक अकाउंट थी वो हैक हो गई थी। तो आपका अकाउंट यार क्या है उसके आगे, हैकरों के आगे, देखिए अगर एक चीज़ बनी है तो उसका भी तोड़ निकलता ही है, ठीक है। जैसे आप रैंसम वेयर को देखिए, रैंसम वेयर था, उसको एक ही बंदे ने एक कंप्यूटर में उसको कोड वहाँ पे इंस्टॉल किया, उसके बारे में पढ़ाई करी, उसमें हैकरों ने खुद डाला था कि हाँ भाई इसको ऐसे हैक किया जा सकता है, इसको ऐसे क्रैक किया जा सकता है उस रैंसम वेयर सॉफ्टवेयर को। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप सभी लोगों से, तो आज के लिए बस इतना ही लोगों, धन्यवाद।